बार फिर से इल्जाम ये लगाया कि यूक्रेन को जो हथियार नेटो और दूसरे यूरोपीय देशों से मिल रहे हैं, यूक्रेन उन हथियारों की तस्करी कर रहा है। जी हाँ, ठीक आपने सुना, टैंक्स, मिसाइल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, तरह तरह के अत्याधुनिक हथियार जो अमेरिका समेत नेटो के सदस्य देश लगातार पिछले 7 महीनों से यूक्रेन को भेज रहे हैं। रूस का यह कहना है कि उन हथियारों को यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के आतंकियों को बेच रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने यह कहा है कि यूक्रेन हथियार ना होने का सिर्फ दिखावा करता है, विश्व में सिर्फ चिल्लाता है कि उसके पास हथियार नहीं है, जबकि जो हथियार उसे दिए जा रहे हैं दूसरे देशों से, जो हथियार यूक्रेन में आ रहे हैं वो दुनिया भर के आतंकी संगठनों को यूक्रेन की तरफ से बेचे जा रहे हैं। रूस से पहले इंटरपोल और यूरोपोल भी इस तरह की आशंका जाहिर कर चुका है। अब ऐसे में रूस का यह बयान दुनिया भर में खलबली मचा रहा है। गरजते टैंक, आग बरसाती मिसाइल, लाते ग्रेनेड, एंटी टैंक मिसाइल, दुनिया का ऐसा कौन सा खौफनाक हथियार है जो रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल ना हुआ हो? एक से बढ़कर एक तकनीक, एक से बढ़कर एक हथियार और उनकी ऐसी मार कि दुश्मन पानी तक ना मांगे। एक तरफ रूस अपने हथियारों के दम पर मैदान में है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए नेटो और कई दूसरे देश खड़े हैं। यूक्रेन को इन समर्थक देशों से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं कि वो अभी तक इस जंग में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले कमजोर दिखाई दे रहे यूक्रेन को मित्र देशों से मिले इन हथियारों का ही ये कमाल है कि यूक्रेन रूस के सामने घबराने की बजाय उसका मुकाबला करने की हिम्मत दिखा पा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन को मिलने वाले यही हथियार सवालों के घेरे में है। सवाल भी ऐसे जिसने अमेरिका जैसे उन देशों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं जो खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है।
सवाल उन देशों पर भी खड़े हो रहे हैं जो रूस को आतंकी मुल्क कहकर यूक्रेन के साथ युद्ध में मदद देने के लिए तो जुड़ गए हैं, लेकिन उनकी दी हुई मदद का असल में हो क्या रहा है इसका उन्हें इल्म भी नहीं है। इंटरपोल और यूरोपोल जैसी एजेंसियों ने युद्ध और हथियारों से जुड़े जिस डर को अब से कुछ महीनों पहले सामने रख दिया था, अब रूस उसी डर को आंकड़ों के साथ सामने लेकर आया है। ये डर है हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग। जी हाँ, वही हथियार जिन्हें अमेरिका की सरपरस्ती में नेटो समेत कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को मदद के तौर पर दिए हैं, लेकिन अब इल्जाम उन्हीं हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग का है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो और दूसरे मित्र देशों ने जो हथियार यूक्रेन भेजे थे उनका इस्तेमाल अब आतंकी कर रहे हैं। यानी यूक्रेन इन हथियारों को ऐसे खूंखार आतंकी संगठनों को बेच रहा है जिन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में बर्बरता और आतंकवाद का साम्राज्य कायम कर रखा है। रूस के विदेश विभाग की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा है कि नेटो के मिलिट्री कार्गो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में आतंकवादियों, चरमपंथियों और अपराधियों के काम आ रहे हैं। Вы не просто являетесь соучастниками преступлений киевского режима, вы являетесь ровно теми, о ком говорите регулярно в принимаемых каких-то декларациях и заявлениях. Вы являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО и как альянса, и как отдельных его членов, во главе чего стоят Соединенные Штаты Америки. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक नेटो देशों ने बड़ी मात्रा में यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। इनमें राइफल, मिसाइल, टैंक, ग्रेनेड्स, बख्तरबंद गाड़ियां, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और गोला बारूद सब कुछ शामिल है। रूसी विदेश विभाग के आंकड़ों की माने तो नेटो देशों ने अभी तक यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई किए हैं उनमें शामिल है 300 टैंक, 130 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 400 एपीसी टैंक, 450 यूनिट हथियार बंद गाड़ियां, 700 आर्टिलरी सिस्टम, 5000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 80000 एंटी टैंक रॉकेट सिस्टम और ग्रेनेड लॉन्चर, 160000 छोटे हथियार, 90 मिलियन राउंड गोला बारूद। नेटो और दूसरे यूरोपीय देश यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अभी तक एक बड़ा बजट खर्च कर चुका है। पुतिन के साथ बाइडेन की कुछ ऐसी ठनी है कि अमेरिका ने यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रखकर अपना सब कुछ इस लड़ाई में झोंक दिया है। अभी तक यूक्रेन को दुनिया भर से जितनी सैन्य मदद मिली है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका ने खर्च किया है। यूक्रेन को अभी तक कुल 42.3 बिलियन डॉलर्स की सैन्य मदद दूसरे देशों से मिली है, जिनमें से अकेले अमेरिका ने 28.3 बिलियन डॉलर्स की मदद भेजी है। अब समझ लीजिए कि अगर रूस के दावे में दम है और वाकई यूक्रेन हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग में लगा है तो दुनिया पर आतंकवाद का खतरा पहले से कई गुना बढ़ चुका है। इस खतरे को इंटरपोल और यूरोपोल जैसी एजेंसियां पहले ही भांप चुकी हैं। जून में इंटरपोल के चीफ जर्गन स्टॉक ने आगाह किया था कि यूक्रेन में भेजे जा रहे आधुनिक हथियार संगठित अपराध समूहों तक पहुंच सकते हैं, तो वहीं जुलाई में यूरोपोल ने भी आगाह किया था कि यूक्रेन के साथ हथियार तस्करी पर काम किया जाना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब युद्ध क्षेत्र से निकलकर खतरनाक हथियार गलत हाथों में पहुंच जाते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हथियार बना कोई और रहा है, भेजे किसी और के लिए जा रहे हैं लेकिन पहुंच किसी और के पास रहे हैं। यूक्रेन इस समय नए हथियारों का ऐसा प्लेग्राउंड बन चुका है जहां से हथियारों की तस्करी दुनिया भर में खौफ और आतंक के नए सेंटर खोल सकती है।
यूक्रेन से निकलकर जिन हथियारों की तस्करी की बात की जा रही है वो ऐसे हथियार हैं जो पल भर में कहर बरपा कर बर्बादी का मंजर आम कर सकते हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन को अरबों के हथियार अब तक मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हथियारों की कमी का रोना रोता रहता है। तो अगर नेटो देश इतनी बड़ी मात्रा में हथियार भेज रहे हैं तो ये हथियार जा कहां रहे हैं? क्या वाकई हो रही है हथियारों की तस्करी? कौन कौन से हथियारों की हो रही है तस्करी? यूक्रेन से जिन हथियारों की तस्करी का सबसे ज्यादा खतरा है उनमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिका की जेवलिन मिसाइल, जो पल भर में रूस के अत्याधुनिक टैंक्स को मिट्टी में मिला सकती है। यूक्रेन ने रूस के हजारों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इसी जेवलिन मिसाइल के बूते तबाह की है। अब सोचिए, करोड़ों की ये जेवलिन मिसाइल अगर आतंकियों के हाथ पहुंच गए तो नतीजा क्या होगा? यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले हथियारों में स्टिंगर मिसाइल भी शामिल है। इस मजबूत पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बूते यूक्रेन के सैनिक रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जमकर निशाना बना रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा सौंपा है। इन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रिटेन भी अभी तक यूक्रेन को बड़ी संख्या में एन लॉ मिसाइल, ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल और स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है, जिसके बूते यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। इसके अलावा यूक्रेन की फौज स्वीडन से मिले ग्रेनेड लॉन्चर से भी लगातार हमले कर रही है। इसके साथ साथ नई राइफलें और गोलियां भी बड़ी मात्रा में यूक्रेन पहुंच रही हैं, जिनके बूते जेलेंस्की की फौज मैदान में डटी है। लेकिन अब ये आशंका गहराने लगी है कि कहीं ये हथियार यूक्रेन से बाहर तो नहीं जा रहे। दुनिया भर में ऐसे हथियारों की सप्लाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी इन सवालों को यूक्रेन में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन को इस बात की आशंका नहीं है कि यूक्रेन से हथियारों की तस्करी का मतलब दुनिया भर पर खतरा मंडराना है। यूक्रेन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता और समझता है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार अपने साथ खड़े देशों से हथियार मांग रहा है। इसके अलावा खुद रूस के कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो उसके सैनिक युद्ध में पीछे छोड़ गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस के ये हथियार नेटो के दिए हुए हथियारों से भी ज्यादा है। रूस का ये इल्जाम है कि यूक्रेन से हर महीने करीब $1 बिलियन के हथियारों की सप्लाई बाहर की जा रही है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी देखने को मिलेगा।